हेलो गाइस, वेलकम टू विजन थ्रू माय लेंसेस। आज मैं आया हूँ मेरा गांव का फार्म हाउस। तो जो फार्म हाउस अभी रहा नहीं है, हॉन्टेड प्लेस के तरह हो गया है, क्योंकि बहुत सालों से बंद पड़ा है। जंगल झाड़ियाँ देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा कितना दिन से बंद है। तो अभी अंदर आने के बाद ही मेरे को पूरा देखा बनाना पेड़ पे, तो मैं यहाँ पे पूरा कट करूँगा, तो बनाना भी लूँगा और जो अंदर का होता है जिससे सब्जी बनता है, मेरे को एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो भी मैं लूँगा आज। तो सोचा हूँ कि ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग बहुत लोग मुझे बोलते हो DM में जे गांव का कुछ चीज़ शेयर करो, गांव का कोई वीडियो शेयर करो, गांव रिलेटेड कुछ दिखाओ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ ये शेयर करूँ, आप लोग को शायद अच्छा लगेगा। ये बात तो ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरे को ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये ब्लॉग, और आप लोग को इस टाइप का कंटेंट कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई कितना भी बोले, गांव का एक अलग फ्लेवर है, गांव का फील ही कुछ अलग है। अचानक मेरे को दिखा और बहुत सारा बनाना और एक पेड़ में पका हुआ है, तो ये सब बनाना को भी उतारना पड़ेगा, नहीं तो पक्षी आधा ख़त्म कर लिया है, तो इसीलिए उतार लेना ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब ये पेड़ झुक गया है थोड़ा, और दूसरे के घर के ऊपर जाके थोड़ा डाउन हो गया है, पता नहीं मैं कैसे उतारूँगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रस्सी से खींच के, मतलब कहीं रस्सी से बांध के तब इसको उतारना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कैसे दूसरे के घर में जाके गिरा है, मतलब उधर के तरफ झुका हुआ है। तो अगर पेड़ में इधर काट भी दूंगा तो उन लोग के घर के ऊपर जाके गिरेगा। तो यहाँ से मैं रस्सी से खींच के एक नॉट बांध लूँगा, ताकि अगर काटने के बाद भी दूसरे के घर में जाके ना गिरे, मतलब इधर ही एक खिंचाव बना रहे, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा उन लोग के घर में गिरेगा। तो पता नहीं इतना पतला रस्सी इसको रख पाएगा कि नहीं, देखना पड़ेगा, वेट ले पाता है कि नहीं, देखता हूँ। हैं? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कैसे इसको उतारा जाए, और कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है कि किसी का सहारा लेके कोई इधर से खींचेगा, कोई उधर से काटेगा, ऐसा करने के लिए जो करना होगा अकेले ही करना होगा। तो जितना ही कोशिश कर रहा हूँ वो उधर और झुक जा रहा है, तो देखता हूँ कैसे क्या किया जा सकता है। तो मैं एक सुपारी का जो पेड़ है वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, उसके सहारा लेके मैं उसके साथ टाई कर रहा हूँ वो रस्सी को, ताकि अगर झुके भी तो और ज़्यादा उधर ना गिरे, एक खिंचाव बना रहे। तो देखता हूँ क्या होता है, आप लोग भी देखते रहिए। তো বয় দেখো নাহলে তো মোবাইল দিয়ে বয় वो पेड़ उतारने से पहले थोड़ा सामने का जगह खाली कर लेता हूँ, ताकि इधर खाली रहेगा तो उतारने में आसानी होगा वो बनाना ट्री काट के गिराने में। मैं नीचे से कट करके उसको गिरा दूंगा। तो आप लोग के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग जब बनाना स्टेम लेंगे तब एकदम नीचे से मत लीजिए, एकदम मिडल वाला पार्ट ठीक रहता है, ज़्यादा ऊपर वाला भी नहीं, ऊपर के साइड भी नहीं, ज़्यादा नीचे का साइड भी नहीं, मिडल वाला साइड ठीक रहता है, टेस्टी रहता है। बहुत हेवी है ये पेड़, आप लोग को पता चल ही रहा होगा। जिन लोग को भी नहीं पता है बनाना स्टेम कहाँ से निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, तो उन लोग के लिए मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ डिटेल में,
ताकि आप लोग को भी पता चले कैसे, मतलब कौन से प्रोसीड्यूर में इन लोग इनको निकाला जाता है और कैसे रहेगा, तो आप लोग ज़्यादा आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। तो देखिए, मैं पहले छोटा छोटा पीस कर लूँगा बनाना स्टेम का, उसके बाद जो ऊपर का लेयर है उसको खोलने में आसानी रहता है। लेकिन आप अगर पूरा एक साथ करने जाएंगे तो बहुत एफर्ट जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट में अगर आप करेंगे तो आप हैंडलिंग में भी ज़्यादा आसान है और आप आराम से कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ मतलब कैसा है ये वीडियो में। तो ऐसा लेयर रहता है अंदर। तो इसके बाद जो ऊपर का लेयर आप लोग एक एक करके खोल देंगे, तब धीरे धीरे अंदर जो है वही मेनली हम लोग खाते हैं। प्याज का जैसे छिलका होता है ना, वैसे ही टाइप का। एक टाइम जब छीलते छीलते आप देखेंगे, एक टाइम बाद और कोई लेयर नहीं रहेगा, तो वही मेन पकाया जाता है सब्जी में। आप लोग देख सकते हैं कि हो गया, अंदर से वो मेन चीज निकल गया है और एक ही लेयर बचा है। तो यही बनाना स्टेम है। आप लोग को पूरा डिटेल्स में दिखाया हूँ कैसे इसको आप बहुत दिन रख सकते हैं फ्रिज वगैरह में। तो थोड़ा थोड़ा पीस काट के आप लोग खा सकते हैं। और एक पार्ट बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पार्ट को भी कट करके रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसे रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए पेड़ से कट के फ्रिज वगैरह में स्टोर किया जाएगा। आप लोग बहुत सारे मेनू में दे सकते हैं, बहुत सारा रेसिपी इस चीज़ से बन सकता है। बनाना स्टेम के रिगार्डिंग आप लोग को कोई रेसिपी आइडियाज़ चाहिए तो मेरा मम्मी का जो चैनल है रानना है हाथेखोड़ी, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका उस चैनल का लिंक भी दे दूंगा और रेसिपी के लिंक भी, तो आप लोग वहाँ जाके भी कुछ बढ़िया सा टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनाना स्टेम से बना हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कैसे मैं दिखा रहा हूँ। और कमेंट में इस वीडियो के बाद ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को विलेज ब्लॉग चाहिए कि नहीं, तो कि मेरा आसानी रहेगा मेरे को समझने में कि आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अमेजिंग वीडियोस के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फीडबैक। बाय बाय, टाटा।